हेलो दोस्तों, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रेम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संडे की छुट्टी कब से चालू हुई और इसका श्रेय किसको जाता है। दोस्तों, आज जो हम रविवार की छुट्टी मनाते हैं उसका पूरा श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे जी को जाता है। दरअसल हम भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था। इससे कोई भी मजदूर अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता था और ज़रूरत के मुताबिक अपने शरीर को आराम भी नहीं दे पाता था। श्री लोखंडे ब्रिटिश शासन के समय मजदूरों के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने मजदूरों की समस्या को रखा और सप्ताह के 1 दिन छुट्टी रखने का निवेदन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नारायण मेघाजी लोखंडे जी के इस निवेदन को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया फैसला नारायण मेघाजी लोखंडे को पसंद नहीं आया और उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर इसका खूब विरोध प्रदर्शन किया। नारायण मेघाजी लोखंडे और मजदूर संघ का आखिरकार 7 साल बाद रंग लाया। ब्रिटिश सरकार ने 10 जून 1890 को आदेश जारी किया। इस आदेश को जारी होने के बाद सप्ताह के किसी एक दिन यानी रविवार को छुट्टी होने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हर दिन दोपहर को आधे घंटे की छुट्टी का आदेश जारी किया। धन्यवाद।